हाँ बोर्ड पे ध्यान देना आप। देखो हमने आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपका ये चैप्टर इम्पोर्टेंट 11th क्लास के लिए नहीं है, 12th में भी ये काम आएगा, फर्स्ट ईयर में भी ये काम आएगा और सेकंड ईयर में भी ये काम आएगा। यानी बाकी के जो हमने चैप्टर्स करे थे तो कुछ ऐसे भी चैप्टर थे जो कि सिर्फ 11th लेवल पे था, उसके आगे नहीं आएगा, आना चाहिए हमें वो भी, लेकिन इसको हमें हर जगह काम आएगा। अब 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, मैं फाइनली अगर आपसे बोलूं तो आप पढ़ते किस लिए हो? जॉब के लिए। कॉमर्स लिया है तो मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है कि हम इसी फील्ड में जो हमने पढ़ाई करी है वही यूज करें आगे अपने में। तो जहां पे भी वर्क करोगे वहां ये काम करना ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के वजह से नहीं, आपके आगे इन फ्यूचर में भी ये चैप्टर आएगा ही आएगा। हमने जब स्टार्ट किया था अपना सिलेबस तो मैंने बताया था सबसे जो फर्स्ट स्टेज होता है हमारा, उसको नाम देते हैं हम जर्नल का, उसको नाम देते हैं जर्नल। ध्यान से देखिएगा, जर्नल जर्नल हम सीख चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं लेजर पे। लेजर जर्नल के बाद अगला स्टेप आता है लेजर। लेजर जैसे ही खत्म होता है हम अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी इन तीनों का आपस में कनेक्शन है कि जर्नल एंट्री भी आपको आना चाहिए, लेजर भी आना चाहिए और ट्रायल बैलेंस भी आना चाहिए। आगे ट्रायल बैलेंस की आगे आगे की मैं बात करूं तो इसके बाद जो हम सीखेंगे उसको बोलेंगे बेसिकली फाइनल अकाउंट। जो इसके बाद का पार्ट है उसको हमने नाम दिया है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट। अब मेरे से क्वेश्चन रेज होगा, सर फाइनल अकाउंट कैसे सीखेंगे? क्या इसमें जर्नल एंट्री? नहीं, इसमें लेजर होगा और हमारी ट्रायल बैलेंस में कोई ना कोई गलती होगा, मिस्टेक कर रखा होगा। उसकी मदद से अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो बोला जाएगा एडजस्टमेंट के साथ। अगर कोई ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं है और फिर फाइनल अकाउंट बनाए तो विदाउट एडजस्टमेंट। तो आपके बुक के अंदर ये चैप्टर बांटा गया है दो पार्ट में, विदाउट एडजस्टमेंट फाइनेंशियल आपका फाइनल अकाउंट और एक विद एडजस्टमेंट। तो मैं विद और विदाउट को अलग अलग नहीं लेके चलूंगा, सबको सिंपल, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सब सीख जाएंगे। अब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? आपको यहां पे तीन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। चलो ये बनता कैसे नहीं है वो भी देख लेंगे। उसके बाद एक अकाउंट की मदद लेनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L, इसकी भी मदद चाहिए। इसके बाद फाइनली हम बनाएंगे बैलेंस शीट। जब ये तीनों काम हम कर देते हैं तो बोला जाता है कि मैंने फाइनल अकाउंट तैयार कर लिया। तीनों काम कर लेने पे ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रांसफर होगा यहां, और जो P&L से जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रांसफर होगा यहां। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलू बहुत क्लियरली कि हमारा अगर एक स्टेप मिस्टेक करते हैं हम पीछे से, अगर हम ये मिस्टेक करेंगे तो ये भी गलत होगा क्योंकि इसके रिजल्ट को ये यूज करेगा। ये सही है, ये गलत कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट कहाँ पता चलेगा? बैलेंस शीट में जाके। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्ट दो निकल सकता है। एक निकल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक निकल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक निकल सकता है हमारा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस यानी इस ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी रिजल्ट निकलता है, हमें ये नहीं सोचना, जो भी रिजल्ट निकलता है चाहे ग्रॉस प्रॉफिट निकले चाहे ग्रॉस लॉस निकले, इट विल बी ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉफिट निकलेगा तभी ले जाएंगे, नहीं, कुछ भी रिजल्ट निकले। तो यहां से जो भी रिजल्ट निकलेगा कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट। यहां से भी दो रिजल्ट निकलेगा,
एक निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और एक निकलेगा नेट लॉस। दो रिजल्ट निकलेंगे यहां से हमारे, एक नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। दो रिजल्ट का मतलब अब देखो मैंने बीच में लगा दिया, अब शायद आपको क्लियर हो जाए। क्या दोनों निकलेगा या इनमें से एक? कोई भी एक निकलेगा। तो जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा कहां ट्रांसफर करेंगे बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगे हम, पहले जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद जो यहां से रिजल्ट निकलेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। फिर सर बैलेंस शीट बनाने में क्या रिजल्ट निकलेगा? यहां का रिजल्ट कुछ नहीं होगा, ये हमें बताएगा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, ये प्रूव करेगा। यानी जब हम क्वेश्चन करेंगे और हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी जब बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि सर हमारा फाइनल अकाउंट क्या है ठीक है। अगर बराबर नहीं आता उधर तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी गलत होता तो यहां पे भी गलत ही होगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने सीखना है, समझ गए जी इससे रिजल्ट क्या आएगा, समझ गए इससे रिजल्ट क्या आएगा, समझ गए इसके रिजल्ट का क्या करना है, ये भी समझ गए इसके रिजल्ट का क्या करना है, लेकिन ये बनाए कैसे? इसको बनाने के लिए हमें हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए इन डायरेक्ट एक्सपेंस की, हमें हेल्प चाहिए होगा डायरेक्ट एक्सपेंस की, और हमें हेल्प चाहिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, सॉरी डायरेक्ट इनकम की। तो इनकम छोड़ते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं। तो सर इसको बनाने के लिए एक भी हेल्प चाहिए, वो चाहिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम की अभी मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नॉलेज हो जाए तो आप इजीली इस अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो, बस मुझे एक फॉर्मेट बताना पड़ेगा, और अगर इनडायरेक्ट होगा तो इजीली ये प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमें इस चैप्टर को सीखने से पहले हम पहले स्टेप बाय सीखेंगे ये अकाउंट, फिर ये। इस अकाउंट के लिए आपके बुक में अलग चैप्टर नंबर 18 बना दिया गया, और इन तीनों अकाउंट को इकट्ठा करना है उसके लिए चैप्टर नंबर 19 बना दिया। तो मैं 18 और 19 आपके बुक में दो चैप्टर भले ही है, लेकिन मैं इसको दो चैप्टर नहीं मानूंगा, इसको मैं एक ही चैप्टर मानूंगा, ठीक है। और हम एक ही चैप्टर को मेजर करके क्वेश्चन करेंगे दोनों चैप्टर के, लेकिन आप ये मत समझना दो चैप्टर है। तो चलो हम अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, इधर देखिएगा नहीं तो इधर बैठ जाओ वो बंद कर दो पीछे से यहां से बंद नहीं होगा। देखो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर बात करें तो क्या होता है, उसे रहने दो रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो, आधे घंटे तक बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान से आपको देखना है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि अगर मैं खर्चे लिखवाने लगूं तो आप खर्चे याद नहीं कर सकते, खर्चे तो इतने सारे होते हैं, जो भी पैसे जाएगा सारा खर्चा याद नहीं किया जा सकता, अगर समझ ले तो हमें अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ध्यान से सुनना है आपको, ये फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री किस चीज का है? क्लॉथ का, यानी यहां कपड़े को स्टिचिंग मैन्युफैक्चरिंग सारा काम होता है। तो मैंने आज तक जनरली, और आपने भी आज तक जनरली कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि फैक्ट्री के अंदर जाके आप कपड़े को खरीदो, नहीं। अगर आप मान लो पता भी चल रहा है ना कि सामने फैक्ट्री है और आप चले भी जाओ तो वहां से आपको मिलेगा नहीं, नहीं देंगे, वो बोलेंगे हमारी दुकान यहाँ पे है वहां से खरीदें। यानी हमने फैक्ट्री खोला, इसको खोलने का फायदा नहीं है जब तक कि हम जो सामान फैक्ट्री में बनाया जा रहा है इसको बेचने के लिए हम क्या करें, एक ऑफिस ना ओपन कर ले, तब तक ये फैक्ट्री बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब सर ये ऑफिस,
ऑफिस का मतलब मैं बोल सकता हूं शोरूम। जब तक आपके पास शोरूम नहीं होगा, नहीं, कस्टमर डायरेक्टली देखा जाए तो कस्टमर कहाँ आएंगे? कस्टमर डायरेक्टली यहां पे आएंगे कुछ भी सामान लेने, स्टोर पे, जिसे आप स्टोर बोल दो, शोरूम बोल दो, दुकान बोल दो, जो भी बोल सकते हो, यहां आएंगे। तो ये जो ऑफिस है, बिना इसके ये कामयाब नहीं है, यानी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और जो ये है, ये भी कहीं ना कहीं से सामान खरीदता है और उसको बनाता है, बना के आगे भेज देता है। भेजने के बाद या तो डायरेक्ट कस्टमर को बेचा जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, आगे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां की, तो जो ये वाला जगह है, जो यहां पे मेरे पास सामान आता है, जो यहां पे सामान आ रहा है, जब यहां पे सामान आएगा तो कहाँ आएगा? फैक्ट्री में। बस आपको इतना सोचना है, फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री में आएगा तो इसको हमें, जो लेके आ रहा है सामान, उसको पैसे देने पड़ेंगे। जो पैसे देंगे उसको हम बोलेंगे कैरिज, जिसे हम भाड़ा बोलते हैं, कैरिज। इसको हम कार्टेज भी बोलते हैं और इसी को फ्रेट भी बोलते हैं। ये देना पड़ेगा। जैसे ही यहां पे मान लो मेरा सामान आ जाता है, इस जगह पे आ गया। इस जगह पे आने के बाद ये क्या करेंगे, देखा होगा आपने, अपना जो सामान रखते कहाँ है, अपने जो भी इसके अंदर कंटेनर टाइप बनाया होता वहां, ये पीछे से ओपन करेंगे और यहां से सारा सामान वो नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद यहां पे मजदूर मजदूर आएगा, और मजदूर आके क्या करेगा, इस सामान को अपने सर पे उठाएगा, या जैसे भी इक्विपमेंट हो, जैसे भी, उसे कहां तक पहुंचा देगा, फैक्ट्री तक। तो जो ये मजदूर है, ये भी कुछ ना कुछ पैसे लेगा। जो ये पैसे लेगा, इसके पैसे को हम बोलेंगे वेजेस। जो ये लेगा हमसे, इसको बोलते हैं वेजेस। और फैक्ट्री के अंदर लाइटें भी चाहिए होगी। लाइट क्यों चाहिए? मशीन चलाना है। लाइट क्यों चाहिए? आपको हर एक काम करने के लिए लाइटिंग की जरूरत है। लेकिन यहां पे लाइटें जो चाहिए होगा, वो चाहिए होगा हैवी वोल्टेज का। हैवी वोल्टेज का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होता है, यहां पे भी आपको चाहिए होगा। एक एग्जाम्पल बताऊं, मोबाइल फोन का आपके घर में, तो आप उसे चार्ज करते हो, तो आपके घर में दो तरीके के बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड। एक बोर्ड ऐसा होता है जिसको जनरली हम पानी को गर्म करने के लिए या प्रेस करने के लिए, यानी जब आपको ज्यादा वोल्टेज का काम होता है, तो उस बोर्ड का इस्तेमाल होता है। एक बोर्ड ऐसा होता है जहां कम वोल्टेज के लिए, दोनों जगह हो सकता है, लेकिन अगर हम कम वोल्टेज वाले को यूज करेंगे, ज्यादा वोल्टेज, तो वो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जल सकता है वो। तो घर के अंदर जो बड़े वाला स्विच होता है ना, बड़े वाला जिसके अंदर बड़ा पॉइंट होता है, उसे पावर स्विच बोलते हैं। और एक छोटे वाला होता है, वो नॉर्मल स्विच होता है जिसमें मोबाइल चार्ज करते हो, तो उसको पावर स्विच क्यों बोला गया? पावर स्विच इसलिए बोला गया, वहां वोल्टेज ज्यादा यूज किया जा सकता है। अब एसी का स्विच डायरेक्ट नहीं चला सकते, एसी डायरेक्ट मीटर्स होता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा, इसलिए सिर्फ पर्पस यही है। क्योंकि हम एसी को अगर नॉर्मल स्विच में कनेक्ट करें चल जाएगा, लेकिन 2 घंटे बाद वो सारा का सारा वायरिंग खराब हो जाएगा हमारा। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा हमारा, यहां पे लाइटें भी होगी आपकी, यहां पे मशीनरी भी होगा। तो इसके जो इलेक्ट्रिसिटी होगा, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं दे सकते, यहां बहुत हैवी बिजली यूज होगा, तो उसके लिए हम जनरली हम बोलते हैं पावर, पावर का ही नाम देते हैं। तो बेसिकली पावर क्या है? बिजली का बिल ही है। लेकिन हम पावर इसलिए नाम दे रहे हैं इसको, क्योंकि यहां का जो यूसेज है, बताओ, हैवी है,
और अभी आपने बताया जहां हैवी यूज होता है उसे पावर स्विच बोलते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो पावर होगा। इसके साथ साथ मान लो मैंने जो सामान खरीदा वो सामान खरीदा आउट ऑफ इंडिया से, इंडिया के बाहर से सामान खरीदा, तो जब मैं आउट ऑफ इंडिया से सामान खरीदूंगा तो यहां से सामान इंडिया के अंदर लाने तक का एक हमें टैक्स भी देना पड़ता है। बाहर से जब कोई भी सामान खरीदे, चाहे नेपाल से खरीदे, चाइना से खरीदे, भूटान से खरीदे, किसी भी कंट्री से खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं हमने सामान को इंपोर्ट किया है, और जनरली हम इसे बोलते हैं इंपोर्टेड गुड्स। तो गवर्नमेंट कहता है कि इंडिया के अंदर अगर आप सामान इंपोर्ट करते हो तो इंडिया का बेरोजगार तो खत्म हो जाएगा, तो गवर्नमेंट इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगाती है जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। देखो टैक्स के तीन नाम है, एक टैक्स तो है ही है, जीएसटी भी सुन लिया आपने, जीएसटी भी टैक्स ही है, और एक ड्यूटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी होगा तो पेड करेंगे और वो सामान आएगा फिर यहां आएगा। मान लो हमने सामान मंगाया पंजाब से और रेल से आ रहा है, तो रेल का किराया भी होगा जो फैक्ट्री तक का होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहां मैं बात करता हूं डीजल। कई बार लाइट चले जाता है ना, तो आपने देखा होगा मैरिज वगैरह में लाइट चलाने के लिए जनरेटर लेके आते हैं, ऐसे ही फैक्ट्री में भी होता है। उस जनरेटर को चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, तो सेम यहां पे भी वो सुविधा हो सकता है, लाइट चले जाए तो जनरेटर, तो डीजल भी यहां इस्तेमाल हो सकता है। डीजल से पहले कोयला इस्तेमाल हुआ करता था, तो कोल भी हो सकता है यहां पे, कोयला, ठीक है। तो यहां पे ये सारे खर्चे हैं। यहां पे अगर मैनेजर हुआ फैक्ट्री के अंदर मैनेजर, तो उसको भी सैलरी दिया जाएगा। तो यहां पे जितने भी आप इमेजिन कर रहे हो इस फैक्ट्री के अंदर, वो सारे खर्चे यहां पे है। मैं एक एक खर्चा गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी आपकी, तो सारे खर्चे गिनवाने का फायदा नहीं है। मैं आपको एक आइडिया दिया बिल्कुल मोटा मोटा कि ये हमारा फैक्ट्री और यहाँ खर्चा है। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ खर्चे को तो आप फटाफट से बता दोगे। जैसे मैं बोलता हूँ हीटिंग एंड लाइटिंग, तो हीटर वगैरह हीटिंग का काम फैक्ट्री में ही होता है जनरली, तो वो भी यहीं का खर्चा होगा, ठीक है। माल जैसे तैयार होगा, ये क्या करेंगे, माल तैयार होते ही फटाफट से एक और इनके पास कोई भी व्हीकल होगा जिसको ये रवाना कर देंगे, कहां के लिए, अपने शोरूम के लिए। ये माल यहां पे जाएगा, ठीक है। जाने के बाद अगेन ये जो माल लेके जा रहा है ये अगेन किराया लेगा, उस किराए को भी हम कैरिज बोलेंगे, लेकिन इस किराए को फ्रेट नहीं बोलेंगे, इस किराए को कार्टेज नहीं बोलेंगे, सिर्फ कैरिज बोलेंगे। तो सर कैरिज यहां, कैरिज यहां, यहां का जो कैरिज था ना वो फैक्ट्री के अंदर सामान लाने का था, तो लाने का मतलब होता है इन, लाने का मतलब होता है, तो यहां पे है कैरिज इनवर्ड। यहां पे कैरिज क्या है, इनवर्ड, लेकिन यहां से जब सामान जाएगा तो इसे आउट बोलते हैं, तो ये वाला कैरिज होगा आउटवर्ड, ठीक है। तो कैरिज इनवर्ड यहां का है और कैरिज आउटवर्ड इधर आएगा। यहां से जैसे जैसे आएगा फिर से अगेन मेरे पास जो भी गाड़ी है यहां पे आया, और गाड़ी यहां पे आने के बाद क्या करा उसने, लगाया, और लगाने के बाद अगेन क्या होगा, सामान यहां पे उतरने लगेगा, और सामान जब यहां से नीचे डालेंगे हम सामान को, जैसे ही सामान को हम यहां पे नीचे डालते हैं, डालने के बाद एक और व्यक्ति यहां पे खड़ा हो जाता है, और वो उसके हाथ में क्या होता है, एक रजिस्टर होगा और एक हाथ में पेन होगा, और वो क्या करेगा, उस रजिस्टर पेन पे टिक करता रहेगा, गिनेगा, और क्या गिनेगा कि भाई जितने माल भेजा गया है उतने है या रास्ते में इसने गायब कर दिया, उसको काउंटिंग तो करेगा ही। इसके बाद जैसे ही होगा ये सारा माल कहां चले जाएगा, हमारा शोरूम में, ऑफिस में, ये सामान ये लो इकट्ठा हो गया, अब ये भी सैलरी लेगा। इसको जो सैलरी देंगे हम, बोलोगे सर ये काम कर रहा है तो वेजिस, ये काम कर रहा है तो सैलरी, इसका काम थोड़ा मजदूरी वाला है तो वेजिस है,
इसका काम थोड़ा मजदूरी वाला नहीं है, ऑफिशियल वर्क है, तो इसलिए इसको सैलरी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां भी लाइटिंग होगी, यहां भी लाइटिंग होगी, तो सर इस लाइटिंग को, इसको पावर नहीं बोल सकते हैं। इसको नॉर्मल हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो आप नॉर्मली यूज करते हो, घर का जो बिल आता है नॉर्मल जलाते हो उसे इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टेशनरी, फैक्ट्री में स्टेशनरी यूज होता है, लेकिन हमें यूज हर चीज हर जगह पे हो सकता है, पावर यहां पे भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहां पावर यूज नहीं हो सकता, डीजल यहां भी यूज हो सकता है, लेकिन हमें सोचना है कि मैक्सिमम कहां यूज होता है। अगर मैं स्टेशनरी की बात करूं तो फैक्ट्री में ज्यादा यूज होगा या ऑफिस में, तो बस हम मान लेते हैं कि ऑफिस में है। स्टेशनरी भी हम क्या मान लेंगे यहां। मैंने इसलिए ये वर्ड बोला, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो यहां भी स्टेशनरी यूज करके दिखा देंगे, तो मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखना है। अब बताओ एडवर्टीजमेंट, क्या फैक्ट्री के अंदर कोई बोलता है कि मैंने 10,000 यूनिट बना दिया, कहीं बोर्ड देखा है इस फैक्ट्री ने इस बार 1 लाख यूनिट बना के रखा है। एडवर्टीजमेंट हमेशा यहां से होगा, यहां पे होगा एडवर्टीजमेंट ऑफिस के अंदर। अकाउंटेंट की सैलरी, जनरली अकाउंटेंट बोलता भाई फैक्ट्री में हम नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठोगे भाई, बहुत शोर शराबा होता है, हमें तो कोई जगह दे दो, बिल दे दो, हम एंट्री कर देंगे। तो अकाउंटेंट भी कहां पे होगा, यहीं पे होगा। और पैसे कहां से आएगा, अब बताओ डायरेक्टर वगैरह मैनेजर वगैरह जो बड़े लेवल के पोस्ट के, वो फैक्ट्री के अंदर बैठे या ऑफिस में, ऑफिस में बैठेंगे। तो जो पैसे का इंतजाम करना है ब्याज पे, तो वो ऑफिस में ही बैठ के होगा। तो जो इंटरेस्ट की मैं बात करूं, तो इंटरेस्ट भी कहां होगा, यहीं पे होगा इंटरेस्ट हमारा, यहीं से रिलेटेड होगा इंटरेस्ट। डिस्काउंट ग्राहक को दिया जा रहा है, कहां पे दिया जाएगा, ग्राहक ऑफिस में दिया जाएगा, यहां पे डिस्काउंट, ठीक है। कस्टमर को फ्री सैंपल दिया जा रहा है, तो कहां से फ्री सैंपल निकलेगा, ऑफिस से। मैंने यहां से फिर कहीं होम डिलीवरी के लिए सामान भेज दिया, तो इसका भी जो किराया होगा इसको भी क्या बोलेंगे, कैरिज, लेकिन ये भी आउटवर्ड होगा। तो सर माल आ रहा है तब भी आउटवर्ड, आउट और इन यहां से काउंट करेंगे ना कि यहां से, ठीक है। और बेसिकली इसको कैरिज ना बोल के डिलीवरी चार्ज बोलते हैं। आप देखोगे कई बार कोई सामान लगाओगे जोमेटो वगैरह, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, तो वहां पे कैरिज नहीं लिखा होगा, डिलीवरी चार्ज लिखा होगा, या टैक्सेस बोल के वो खत्म करते हैं। और क्या हो सकता है, यहाँ पे सामान बेचा और डूब गया, लेके भाग गया, बैड डेट्स, तो वो भी कहाँ होगा, शोरूम से ही होगा। रेंट की बात करते हैं, अब रेंट जनरली फैक्ट्री जो होता है वो कभी भी एकदम पॉश एरिया में नहीं होगा, रिहायश एरिया में नहीं होता। फैक्ट्री कहाँ होता है सोचो आप, किसी बैकवर्ड एरिया में, बहुत खेत जहां टाइप हो, जहां पे कोई सुविधा नहीं हो, वहां की जमीन बताओ महंगी होती है हमेशा या सस्ती। और जो ऑफिस होता है जैसे सीपी में हो गया, नेताजी सुभाष पैलेस में हो गया, इसकी जमीन महंगी होगी सस्ती, तो हमेशा हमेशा समझना है आपने कि जो फैक्ट्री होता है वो किराए पे नहीं लेते हम जनरली, क्यों नहीं लेते, इसका लॉजिक है, वहां सस्ता होता है तो क्यों ले किराए पे बना लेते हैं हम, लेकिन ऑफिस हमेशा किराए पे लिया जाता है। तो अगर मैं रेंट बोलता हूं तो रेंट फैक्ट्री का भी हो सकता है, लेकिन ऑफिस का भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रायोरिटी रेंट किसका होगा। लेकिन अगर मैं खुद ही बोल दूं आपको कि ये फैक्ट्री रेंट है, तब तो समस्या है ही नहीं, तब कहां का होगा रेंट, फैक्ट्री का। जब मैंने बोल दिया, मैं गोडाउन रेंट बोल दूं वो भी फैक्ट्री का, ऑफिस में भी हो सकता है लेकिन मानोगे फैक्ट्री का, ठीक है। इसके बाद और मैं कुछ खर्चे अगर आपको बताऊं, रिपेयर का खर्चा, तो देखो रिपेयर फैक्ट्री में भी हो सकता है, रिपेयर ऑफिस में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिपेयर जो होता है वो ऑफिस में होता है। कंप्यूटर खराब हो गया, प्रिंटर काम नहीं कर रहा, इंक डलवाना है, छोटे मोटे खर्चे। फैक्ट्री में तो जैसे चल रहा है व्हाइट वॉश नहीं हुआ, चलने दो भाई। और जनरली फैक्ट्री देखोगे बिल्डिंग नहीं होती, ऊपर से हमेशा टीन डाल के रखते हैं वो, तो चलने दो, वहां रिपेयर वगैरह ज्यादा ध्यान नहीं देते, वहां पे बोलते हैं बस काम चल रहा है ना।
ज्यादा से ज्यादा रिपेयर का खर्चा कहाँ होगा? ऑफिस में होगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको समझाया पूरा, इसको समझाने का मेरा पर्पस क्या था, क्यों मैंने आपको इतना बताया? यहां पे आपको दो तरीके के खर्चे दिखे हैं। तो अगर मेरे से पूछो कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो बता के कहां तक घुमा दिया आपने, तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो कि सीधा होता है फैक्ट्री में, जो रिलेट कहां से करता है, फैक्ट्री से। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो रिलेट करता है ऑफिस से। तो अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्या आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो। अगर मैं बोलूं वेजेस, तो आप जानते हो डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट। अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया तो आप ये भी जानते हो ट्रेडिंग में दिखाएं या पीएनएल में, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं सैलरी, ऑफिस का है तो पीएनएल में। अगर मैं बोलूं अकाउंटेंट सैलरी, पीएनएल में। अगर मैं बोलता हूं पावर, ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में। अगर मैं बोलता हूं यहां पे कैरिज इनवर्ड, ट्रेडिंग में। अगर मैं बोलूं कैरिज आउटवर्ड, यानी देखो हमें 15-20 मिनट के अंदर अगर मैं सारे खर्चों को लिखवाऊं तो उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और लिख लिख के आप परेशान भी हो जाओगे। तो 15-20 मिनट के अंदर आप इतने तो कैपेबल जरूर हो गए कि आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए पी एंड एल में। लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उसके लिए आप नोट दोगे। नोट क्या, जैसे मैंने बोला कि रेंट कंफ्यूजन है, आप एग्जाम में दुविधा में फंस जाते हो, वैसे तो मैंने बता दिया पी एंड एल में, आप एग्जाम में दुविधा में फंस गए, तो आप उसके लिए नोट दे दोगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब कैरिज की बात करें, सिर्फ मैं कैरिज बोलता हूं कंफ्यूजन। अब सर इन और आउट तो बताओ, इनवर्ड बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आउटवर्ड बोल दूं तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कैरिज बोल दूं तो समस्या क्रिएट हो जाता है। इसका निपटारा कैसे किया जाए? अगर मैं सिर्फ कैरिज आपको बोलता हूं तो आप समझ जाना किससे रिलेटेड है, सिर्फ फैक्ट्री से। ये मैं बता रहा हूं, जनरली यही होता है, कैरिज बोला गया तो कैरिज इनवर्ड। लेकिन फ्रेट आउटवर्ड बोलूं मैं तो भी ऑफिस से, और इनवर्ड बोलूं तो ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मैंने एडवर्टीजमेंट किया, तो क्या आप बता सकते हो कहां पे किया होगा? ऑफिस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और पीएनएल में। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खर्चा दे देगा और बोलेगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आप बताइए। तो मैंने यहां पे सिर्फ आपको प्लेस बताया और उस प्लेस पे कैसे कैसे काम होता है और वहां क्या क्या खर्चा हो सकता है, वो तो उस प्लेस के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसका ट्रेडिंग का पार्ट है या फिर पीएनएल का। मैं बैलेंस शीट के बारे में आज चर्चा ही नहीं करूंगा और ना ही आज का मेरा ये डिस्कशन का टॉपिक है। मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे ट्रेडिंग। मैं पीएनएल के बारे में भी आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपको नॉलेज जरूर मिल गई कि पीएनएल बनाने के लिए हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जरूरत पड़ेगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं ये हमें पता चल गया। यहां तक क्लियर है? अब एक बार यहां तक नोट करो, फिर हम ट्रेडिंग का सारा कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 18 में है हमारा। तो एक बार यहां तक नोट करिए आप, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमने खर्चे और इनकम के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लिया। अब मैंने बोला था मैं पीएनएल पे भी आज डिस्कस नहीं करूंगा, बैलेंस शीट पे भी आज डिस्कस नहीं करूंगा, आज डिस्कस किस पे करने वाला हूं, सिर्फ ट्रेडिंग। अब आपको बताया था ट्रेडिंग में हमें निकालना जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने जीपी बोलूंगा, या फिर होगा ग्रॉस लॉस, जीएल बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज करूंगा मैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस की आप नॉलेज, डायरेक्ट एक्सपेंस की नॉलेज होनी चाहिए जो कि मैंने दे दिया। इसको निकालने का तरीका दो है, या तो आप निकाल सकते हो इसको बाय वे ऑफ, कैसे निकाला जा सकता है, बाय प्रिपेयरिंग या बाय ट्रेडिंग अकाउंट। यानी इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो जो कि हमारा मेन ही है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया गया तो आपको दूसरा तरीका से भी निकाला जा सकता है, फॉर्मूले से, जिसको मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन के टॉप।
तौर पे निकाल सकते हैं, इक्वेशन की मदद से भी निकाला जा सकता है ये, ठीक है ना, इक्वेशन की भी मदद से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्रेडिंग से ही निकालेंगे। तो हमें वन बाय वन सीखना है, एमसीक्यू में इसमें से क्वेश्चन आएगा और ये हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। बाय अकाउंट के फॉर्म में देखा जाए तो हमें एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, लेजर का आपको पता ही है फॉर्मेट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, डेट का कॉलम नहीं रहेगा, यहाँ पे डेट्स के कॉलम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो डेट होगा ना वो सबसे टॉप पे लिख देंगे। अगर मैं डेट की बात करूं, हाँ सबसे ऊपर लिख देंगे, बस डेट का झंझट खत्म, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट होगा ईयर एंड में या जब के लिए बनाया जा रहा है। यहां आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग। अब ईयर एंडिंग कुछ भी हो सकता है, 31 दिसंबर या 31 मार्च, इस साइड में पर्टिकुलर फॉर्मेट तो आपको पता ही है, सिंपल होता है, और इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट। क्या यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, अभी समझेंगे भी क्या होता है भाई ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद कोई भी सामान खरीदारी करेंगे तो डेबिट, आपको देखो इधर की साइड में हमें सारे के सारे एक्सपेंस दिखाने हैं, क्योंकि आपको पता है डेबिट या तो एसेट्स होगा या तो खर्चा होगा, एसेट्स की तो बात करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि एसेट्स तो रिलेट करता है बैलेंस शीट से, तो हम खर्चे की ही बात कर रहे हैं, तो डेबिट लिखा है तो इसलिए सारा क्या होगा यहाँ, खर्चा, और क्रेडिट में हमेशा क्या होगा यहाँ पे, इनकम। मैं लाइबिलिटी की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो बैलेंस शीट का पार्ट है। तो परचेज क्या मेरा खर्चा है? बिल्कुल परचेज मेरा खर्चा है, मैं यहां लिखूंगा, लेकिन जनरली परचेज जब करते हैं तो परचेज रिटर्न भी होता है, तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा परचेज रिटर्न, जिसको मैं पी आर बोल रहा हूं, या फिर हम परचेज रिटर्न का एक और नाम पॉपुलर है रिटर्न, बताओ क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, पहले इसमें से माइनस किया जाएगा देन यहां पे दिखाया जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? यहां तक सिंपल, फिर किसमें से माइनस करेंगे? हाँ परचेज 99%, तो 1% अगर आप बाहर लिख देते हो गलती से तो फिर मिटाना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम पहले अंदर लिखेंगे, नहीं हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे। और क्या क्या हो सकता है खर्चे में यहां पे? अगर मैं बोलू वेजेस, आपको पता है, अगर मैं बोलू सैलरी, यहां नहीं आएगा क्योंकि अभी बताया था ना वो पी एंड एल से जाएगा, तो यहां पे अगर मैं बोलू कैरेज, अगर मैं यहां बोलू आपका पावर, अगर मैं बोलू इंपोर्ट ड्यूटी कार्टेज, तो मेरे हिसाब से ज्यादा खर्चा लिख के आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपने खर्चे सीख लिए और यहां पे खर्चे आएंगे। इस साइड इनकम, इनकम में पता ही क्या होगा, सिर्फ सेल्स, वो भी अंदर लिखना है क्योंकि ग्राहक ना वापस कर देते हैं कई बार, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, जिसको मैं एसआर लिख रहा हूं, ठीक है ना, और दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, और एक इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा बैलेंस, सॉरी। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे, और आप सब तो टोटल में एक्सपर्ट हो, इधर टोटल करें चाहे इधर टोटल करें, आपको पता है बैलेंसिंग फिगर जो भी निकलेगा, तो ये अकाउंट बनाया जिसके लिए था, अब वो निकलेगा मेरा, अगर इधर निकलता है तो लिखेंगे, लेकिन इधर आ गया तो
तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, अच्छा इसका मतलब, इसलिए हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस के डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने में यहाँ वो खर्चे दिखाने हैं जो कि डायरेक्ट है। और डायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने याद रखने का सिंपल तरीका बताया, फैक्ट्री के खर्चे सारे क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। लेकिन एग्जामिनर पूरे आपको इंफॉर्मेशन देगा, और जब क्वेश्चन देगा तो जानबूझ के उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालेगा, ताकि आप यहां पे लिख दो गलती से, और आपने जहां लिखा वहां पे आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको जानबूझ के देगा सैलरी, जानबूझ के देगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और बोलेगा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो भाई इस खर्चों का यहाँ काम नहीं है। तो क्वेश्चन में दे भी रखा है तो यूज करके दिखाना है, ऐसा मत सोचना कि जो इन्फॉर्मेशन है सबको यूज करेंगे। कई बार अकाउंट्स के अंदर ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन होता है जिसका कोई यूज नहीं होता टॉपिक से रिलेटेड। समस्या पता है कहाँ आ जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में। सर क्लोजिंग स्टॉक में क्या समस्या है, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा स्टॉक की। अब देखो मेरे पास यहाँ पे डेट है, डेट अगर मैं बोलू 1/4 और इसको डेट बोलू अगर 31/3, तो ये एंड का डेट है, और ये तो इस डेट पे जो स्टॉक होगा वो इस डेट का नहीं होगा, पहली बात तो वो होगा पिछली बार का। तो इस डेट पे जो स्टॉक है वो बचा हुआ माल है, बचे हुए माल को स्टॉक बोलते हैं हम, खरीद के लाओ वो स्टॉक नहीं होता, वो तो परचेज होता है। तो स्टार्टिंग डेट पे बचा हुआ इसलिए ओपनिंग स्टॉक, समझ रहे हो बात को, और जो एंड डेट पे बचेगा इसलिए क्लोजिंग स्टॉक। अब हम बैलेंस शीट किस डेट पे बनाएंगे बताओ, अब बताओ बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए या गलत भी बना दे तो चलेगा। ट्रू एंड फेयर, अकाउंटिंग का हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिससे रियलिस्टिक पिक्चर आना चाहिए। स्टॉक में होता क्या था जनरली, गोल्ड की बात करता हूं मैं, गोल्ड से बड़ा परेशान हुआ, बहुत हैरान हुआ देख के। गोल्ड का रेट पता है बहुत तेजी से बढ़ गया है। मैंने खरीदा था 10 लाख रुपए का गोल्ड, अगर मेरा सुनार का दुकान है तो सुनार का मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस सब कुछ बनाऊंगा। मैंने गोल्ड 10 का, वो मैं सामान बेच ही नहीं रहा था, लेकिन उसी गोल्ड का जो रेट है वो हो गया गोल्ड का रेट 1 करोड़। पॉसिबल है 10 गुना बढ़ गया भाई रेट, 10 लाख से 1 करोड़। मैं बैलेंस शीट बनाने गया एंड रेट पे, मैंने सामान बेचा नहीं है, बेचा ही नहीं मैंने सामान अभी, लेकिन मेरे को पता चल गया 1 करोड़, तो अंदर से लग रहा है कि मुझे मेरा 1 करोड़ रुपए का हो गया है। मैंने इतना सोच लिया 1 करोड़ का मेरा गोल्ड है, मेरे पास जो स्टॉक बचा हुआ था उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक मैंने 1 करोड़ लिख दिया यहां पे। अब जब मैंने यहां 1 करोड़ लिखा तो यहां पे तीसरा चैप्टर गलत हो गया हमारा। तीसरे चैप्टर में बोलता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, जब प्रॉफिट होगा तभी समझना वरना मत समझना प्रॉफिट, लेकिन लॉस हो तो आज ही समझो। तो ये भी बिका थोड़ी ना है, बिकेगा तब प्रॉफिट होगा तो मैं सेल्स मानूंगा ना, आप स्टॉक को क्यों मान रहे हो, ये तो अभी आपके दुकान में, क्या पता कल रात में आग लग जाए, रेट कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत है। लेकिन आप सोचोगे सर ये तो गोल्ड 10 का था, अब हमें दिखाना है 10 लाख, और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल भी ऐसा ही कुछ बोलता है 10 लाख, बाकी हम 10 लाख दिखाएंगे अभी उसकी बात करते हैं। लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसा हो गया ना बहुत तेजी से, एमआई के फोन, फोन की बात करता हूँ एमआई के, या कोई भी कंपनी का फोन उठा लो, सैमसंग का फोन हो गया, रियलमी हो गया। जैसे मैंने सैमसंग का फोन एक देखा था, A50 आया था अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो आया तो 22,000 का था, अब 13-14 हजार रुपये में मिल रहे हैं, यही है। अब सैमसंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट बना रहा होगा तो उसका जो स्टॉक था वो तो इस रेट का था ना, ये तो उसका खरीद था, और लेकिन आज की डेट पे ये वैल्यू है। मैंने बैलेंस शीट बनाया, और बैलेंस शीट बनाने के बाद मैंने यहां दिखाया क्लोजिंग स्टॉक, समझना इस बात को, देखो समझोगे तो पूरे लाइफ काम आएगा आपके। मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया यहाँ पे 20,000 या 22,000 तो था हमारा, कित खरीदा इतने का था 22,000। सर आपने यहाँ बताया कि 22,000 10 लाख होना चाहिए, यहाँ ये लो आपके बताए हुए हिसाब से चल रहे हैं 22, 22 दिखाया। आप सबने कंपनी को देखा,
इस कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट को देखा, अब 22,000 करोड़ है ये, ठीक है। हाँ मैंने आगे के जीरो नहीं लिखे हैं, समझ लो 22,000 करोड़ है। आप सबने देखा, आप बोल रहे यार कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, 22,000 करोड़ का तो स्टॉक ही है, कंपनी गई भी तो हम तो स्टॉक छीन लेंगे उनसे 22,000 करोड़ का। इस कंपनी ने आपसे पैसे मांगे, आपने इन्वेस्टमेंट करना धड़ाधड़ चालू, फटाफट से आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करो भाई, इस कंपनी में पैसे डूबने वाले नहीं, अच्छा है। जब आप लेने गए अपना पैसा, कंपनी डूबने को आ गया, तो क्या वो स्टॉक 22,000 करोड़ का बिकेगा? कितने का बिका होगा? नुकसान देखो, कितने करोड़ का नुकसान हो गया? 8,000 करोड़, 8 करोड़ नहीं, 8,000 करोड़। तो वो छोटा मोटा नुकसान थोड़ी है, बहुत नुकसान है। इसका मतलब ये बैलेंस शीट से आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको धोखा हुआ है। धोखा ये हुआ है कि आपको स्टॉक बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। आपको पता था ये 1400 करोड़ का है, 14,000 करोड़ का है, तो क्यों नहीं दिखाया 14,000 करोड़ का? अगर ऐसा होता तो हम लगाते ही नहीं पैसा, ये बात आ गई। अब इसमें तो फिर दिक्कत आ गई, देखो एक जगह मैं ज्यादा दिखा दूं तो प्रूडेंस अप्रोच प्रिंसिपल मेरे को कहता है ऐसा नहीं, एक जगह कम दिखा दूं। तो इस लड़ाई झगड़े को और इस रियल पिक्चर को बनाने के लिए आना पड़ा हमारे इंस्टीट्यूट को, और हमारा इंस्टीट्यूट जो कि कर्ता धर्ता अकाउंट्स का है, वो कौन है? ICAI, ये भगवान है अकाउंट्स का, सारा नॉलेज इसी के पास, ये जो मर्जी करना चाहे वो करते रहते हैं अपने टाइम टू टाइम। इनको आना पड़ा, इन्होंने बोला मेरी जिम्मेदारी है बैलेंस शीट को अच्छे साफ सुथरा बनाना, और इसीलिए मुझे बनाया गया है पार्लियामेंट में, और इतनी पावर है कि मैं इसको साफ सुथरा कर सकता हूं, मैं इस पे कानून लेके आऊंगा। ऐसा कैसे हुआ? सब मीटिंग वीटिंग बैठी, बैठने के बाद इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा, और आपको पता है ये कानून जो बनाता है वो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्म में। थर्ड चैप्टर में देखा था AS क्या है, मैंने बोला था AS रूल एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इसने कानून बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और कानून नंबर 2 बनाया जिसको नाम दे दिया गया AS 2, और बोला गया आज के बाद किसी से धोखा नहीं होना चाहिए। आप जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग की चर्चा नहीं है, ओपनिंग क्योंकि पिछले साल से उठा के लाए हो, पिछले ठीक कर दी होगी आपने, क्लोजिंग स्टॉक जो रिकॉर्ड करोगे एज पर AS 2, आपके पास दो वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा, और आपके पास क्या होगा, परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस होगा। इस वाले में मैं कहता हूं कॉस्ट लिखो, इस वाले में बोलता हूं कि ये कौन सा प्राइस है, मार्केट लिखो। तो बोला गया देखो टेंशन मत लो, एक रूल बना दिया, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, जो दोनों में से कम है हमेशा रिपोर्ट करो, क्योंकि आप कम वाला दिखाओगे तो कभी इन्वेस्टर को धोखा ही नहीं होगा, ज्यादा दिखा रहे हो तब धोखा हो रहा है ना, तो आप हमेशा क्या दिखाओगे, कम वाला। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के आपको दो रेट मिल जाए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कौन सा दे, आपको चुनना है जो दोनों में से कम हो। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कराते हैं, मान लो मार्केट प्राइस मेरे स्टॉक का 1 लाख है और कॉस्ट प्राइस मेरे स्टॉक का 80,000 है, क्या लेंगे? दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कॉस्ट प्राइस मेरा 1 लाख है और मार्केट प्राइस मेरे स्टॉक का 30,000 है, 30,000। देखो यहां पे आपने लिया कॉस्ट, यहां मार्केट, तो यहां ऐसा कोई रोल नहीं है कि कॉस्ट प्राइस ले या मार्केट प्राइस, लेकिन बच्चे इतने महान बोल लो, भोले बोल लो, जो भी बोल लो, हमने एक कॉन्सेप्ट जनरल एंट्री में करा था कि अगर गुड्स को यूज करेंगे तो हम करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा। अगर हम फ्री सैंपल करते हैं तो वहां पे भी दोनों प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस हो, वो ये वाला कॉन्सेप्ट ये बाद में सीखते हैं, लेकिन वहां भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे तो सिर्फ कॉस्ट ही प्राइस होगा, ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट पे अप्लीकेबल होगा। मान लो मैं अपनी दुकान से 1 लाख रुपए का सामान पर्सनल यूज के लिए लेता हूं, जो 2 लाख का बिकता, तो मैं कितने से जनरल एंट्री करूंगा? 1 लाख से। अगर मैं अपनी दुकान से 1 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए निकालता हूं जो कि बिकता 80 का, तब भी 1 लाख का ही करूंगा, वहां पे लिखवाया हुआ है क्लियरली कॉस्ट। तो मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, तो उसमें टेंशन मत लेना, यहां के लिए विच एवर इज लोअर। समस्या और आई यहां पे, समस्या ये आई कि सर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक तो हमने एसेट सुना है,
बचा हुआ माल तो हमारा एसेट होता है, तो आप खर्चे में क्यों लेके आ रहे हो इसे? ये तो हमें समझ में आता है, आप यूज करोगे तो खर्चा होगा, लेकिन ये तो यूज ही नहीं होना। आप फिर आप इसे यहां इस अकाउंट में क्यों लेके आए? इसे बैलेंस शीट में लेके जाओ ना। आप स्टॉक माल बच गया, हमारे लिए एसेट्स है। तो बोला गया देखो, जो ट्रायल बैलेंस होगा वो गलत देगा आपको। अगर ट्रायल बैलेंस बनाएगा सही, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, सही बनाया जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर गलत बनाएगा तो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। अगर अंदर है, सही लिखा है, तो यहां मत लिखना, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, यहां का पार्ट ही नहीं है वो। अब भूल जाओ कि ट्रेडिंग का पार्ट है, कब? जब ट्रायल बैलेंस के कहां हो, अंदर। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर हो तो ठीक करने के लिए तो सर डबल एंट्री करनी पड़ेगी हमें। डबल एंट्री कैसी डबल एंट्री? जब तक आप दोनों साइड इंपैक्ट नहीं दिखाओगे तो आपका टैली नहीं होगा। तो अगर गलत दिखाए तो एक तो यहां दिखाना पड़ेगा, और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के डेबिट एसेट्स में दिखाएंगे, जो कि हम बैलेंस शीट पे आएंगे तो इसका डिस्कशन करेंगे। यानी स्टॉक पे देखो दो पॉइंट हो सकता है जिसमें आपको एग्जामिनर बहुत तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, एक मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस देके, तो दोनों में से लोअर लेना है। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जा भी सकता है और नहीं भी, समझ में आ रहा है ना बात? अगर यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कब दिखाएंगे? जब ट्रायल बैलेंस के कहां हो, बाहर हो, गलत हो। यहां पे कब नहीं दिखाएंगे? जब ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तो यहां नहीं दिखाना। तो आप उसमें टेंशन मत लेना, पता नहीं क्यों नहीं यहां दिखा रहे, उसकी एक ही एंट्री करेंगे। सही है तो भाई एक ही जगह पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर की एक एंट्री होती है हमेशा, ठीक है ना? वो जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक और दिक्कत आई मान लो मैं एक सामान खरीदने गया, बर्गर खरीदने गया, और मैकडी का मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो बर्गर खरीदने गया तो मैंने बोला भाई बर्गर कितने का है, उसने लिखा था ओनली 20, और जब मैं वहां पे लेने के लिए गया तो उसने बोला मेरे पैसे काट लिए 25, मैंने बोला भाई अब 20 लिखा है 25, बोला वो टैक्सेस लग गए, जीएसटी लग गया, उसके 5 रुपए लग गए, वो सारे टैक्स वगैरह लगा के 25 हो गए। अब मैं भी वहां कुछ नहीं कर सकता भाई, अब लेना है तो अब 20 तो सोच के निकले थे घर से, लेकिन अब 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है तो लेना पड़ेगा, अब काउंटर पे चले गए तो। अब 25 दिया, और मैकडी वाला अगर 25 देता है तो इसके ऊपर जीएसटी का पैसा कितना है और मेरा पैसा? जीएसटी वाले ने गलती क्या करा, जो यहां सेल्स लिखा ना, बोला भाई 25 आए हैं तो हम तो 25 से लिखेंगे, तो बताओ उसकी अकाउंटिंग सही है गलत है? गलत है। कितना लिखना चाहिए? यानी अगर कोई सेल्स आपको देता है इंक्लूडिंग जीएसटी, आपको क्या करना चाहिए? उसमें से जीएसटी को हटा देना चाहिए, जो लॉजिकली भी है। अगर मैं यहां सेल्स 25 दिखाऊं तो इसका मतलब ये सब मेरा है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, और जब मैं गवर्नमेंट के नाम पे ले रहा हूं जीएसटी का तो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो तो बस मैं एक मीडिएटर हूं, यहां से लेके यहां देना, बस। समझ में आई बात? तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले टू साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद परचेज, फिर परचेज रिटर्न, रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, फिर सारे खर्चे। अब खर्चे कौन से? डायरेक्ट खर्चे। अगर मैं बोलूं कोल का खर्चा, यही आएगा। अगर मैं बोलूं फैक्ट्री का रेंट, यही आएगा। अगर मैं बोलूं अकाउंटेंट का सैलरी, नहीं आएगा यहाँ पे, वो कहाँ जाएगा? ऑफिस में जाएगा, ठीक है? इधर दो ही चीज आना है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का भी भरोसा नहीं है कि आए या, अगर ट्रायल के अंदर है तो नहीं आएगा और ट्रायल के बाहर है तो लिखेंगे, और उसके बाद भी मार्केट प्राइस लिखे या कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज। तो चलो इसके लिए मैं नोट लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इन केस ऑफ हाँ, इक्वल भी आ जाएगा तो ना प्रॉफिट ना लॉस चलेगा, ठीक है ना? इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस, ध्यान देना आप, एंड कॉस्ट प्राइस गिवन, देन वी विल, अब बताओ विच एवर इज, समझ में आया क्या? एक और नोट बनना चाहिए इस पे। तो इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस,
तो बताओ क्या करें, दिखाएं या ना दिखाएं? देन नॉट शो इन ट्रेडिंग अकाउंट, टी ए मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना? समझ में आया क्या? इस पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करेगा एग्जामिनर।